हेलो गाइज, मैं हूँ एक गांव का लड़का और आज मैं फिर से एक अलग एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे एक माचिस का करके, जिसमें से कई सारा माचिस को जलाए थे एक बार, आज उसी का अलग एक्सपेरिमेंट करने वाला है। जैसा कि मेरा पास है, सबसे पहले मैं तो गैस एक ले आया हूँ। इससे मैं क्या क्या करूँगा उससे पहले सबसे पहले बता देता हूँ क्या क्या मेरा पास सामग्री है। ये माचिस जो हम उस दिन लाए थे वो बच गया था, और भी कई सारा माचिस है। इसको मैं क्या करूँगा कि कुकर में मैं सारे तिल्ली को डाल दूँगा, उसके बाद नीचे से इसको मैं आग लगा दूँगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या माचिस का तिल्ली जलता है या नहीं जलता है। जलता है तो कैसे जलेगा और नहीं जलेगा तो कैसे नहीं जलेगा, पूरा आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कि आखिर होगा क्या। कई सारा माचिस को तिल्ली हम डालने वाले हैं, वही 100-150 पैकेट है मेरे पास, तो उसको हम डालेंगे और आगे क्या होगा, कैसे कैसे मैं क्या करूँगा पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे का काम करते हैं कि आखिर माचिस जलता कैसे है, चलिए दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत पानी है तो इसको पहले सुखा लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके तिल्ली को डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आखिर जलता कैसे है। उसमें थोड़ा सा आग जाने के बाद वो तो ऑटोमेटिक जलेगा, लेकिन कैसे जलेगा कैसे नहीं जलेगा आपके सामने सारा कुछ होगा। तो चलिए धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाते हैं। और तो अभी हमारे पास बहुत सारा माचिस है, उस दिन बच गया था बहुत सारा, तो इसमें अभी हम एक एक करके सारा कुछ को डालने वाले हैं और देखते हैं कितना सारा माचिस होगा, और जो खोली मेरा पास बचेगा उसको भी हम ऊपर डाल देंगे, देखेंगे आखिर कैसे क्या होगा। तो चलिए जल्दी से काम करते हैं और आगे की ओर जाते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा तिल्ली को निकाल लिए हैं, देख सकते हैं आपको आँख के सामने है, पूरा कई सारा तिल्ली का है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारा डब्बा मैंने खाली भी कर दिया। आप देखते हैं इसमें डाल के ऊपर से हम पूरा इसका जो डब्बा है वो भी डाल देंगे कि आखिर जलता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कि थोड़ा बहुत इसका व्यू देख लीजिए कि आखिर हम लोग काम कैसे कर रहे हैं। तो सारा काम हो चुका है, अब इसको हम जा रहे हैं जलाने, उसके बाद चढ़ाएंगे, देखते हैं कितना देरी में गर्म होगा और कितना देरी में इसमें आग लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे तिल्ली यहाँ पे गर्म होगा वैसे आग अपने आप लग जाएगा, देखते हैं कि कितना देरी में ये गर्म हो जाता है और आग लग जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कितना देरी में यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आग लगेगा उससे पहले हम इसका अंदर डब्बा डाल देंगे, जिससे वो भी जल के पूरा राख हो जाएगा और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आ दिखाओ थोड़ा सा कैसे क्या होगा। तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और अगर एक कांटी जहाँ पे जलेगा ये पूरा जल के हो जाएगा राख, और जलने से पहले इसमें हम पूरा डब्बा डाल देने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है गर्म, थोड़ा सा और आँच इसका बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा धुआं उड़ गया है और आग लगना स्टार्ट हो गया, आपको आँख के सामने देख सकते हैं आग लगना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं लाइव प्रूफ आप लोग को दिखा रहे हैं, अंदर से पूरा थोड़ा सा पानी का अंश है, देख सकते हैं आग लगना स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे इसमें हम थोड़ा सा जो डब्बा बच गया है इसको अभी हम डालना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो थोड़ा बहुत डालेंगे, अगर एक बार सारा डाल देंगे तो फिर इसमें जलना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक डब्बा डालते हैं जिससे आग अच्छा तरह से लगे और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इसको डालते हैं धीरे धीरे, इसको जलने देते हैं पूरा अच्छा तरह से धरने देते हैं, उसके बाद फिर ये हो गया धुआं धुआं पूरा। थोड़ा थोड़ा माचिस का डब्बा डाल रहे हैं और नीचे से जलता जा रहा है, जो तिल्ली था वो पूरा जल के राख हो चुका है, और जो अभी माचिस का डब्बा मैं डाल रहा हूँ वही जल रहा है, इसलिए पूरा वैसा जल नहीं रहा, पूरा यहाँ देख सकते हैं राख हो गया है। दिखाने का प्रयास करो, आओ थोड़ा सा आगे।
पूरा डब्बा थोड़ा थोड़ा जल के राख हो रहा है। आप लोग को अंदाज़ा नहीं होगा कि नीचे से आग लग चुका है माचिस के तिल्ली के माध्यम से। तो अभी भी बहुत सारा डब्बा बचा हुआ है, देख सकते हैं कि कितना सारा है और पूरा जल के राख हो गया है। पूरा एक करके डाल भी रहे हैं। एक बार डालने से क्या हो जा रहा है कि हवा चल रहा है तो बूझ जा रहा है पूरा, और देख सकते हैं पूरा हो सकता है कुकर भी करिया हो गया है। तो अभी यहाँ पे पूरा जो माचिस का डिब्बा था वो पूरा हम डाल चुके हैं, और देख सकते हैं पूरा इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है और अंदर से आग भी निकल रहा है, लेकिन आप लोगों को अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी दिन में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। और यहाँ पे हम माचिस का प्रयोग नहीं किए हैं, जो नीचे से जल रहा है उसी के माध्यम से पूरा यहाँ पे आग लगा हुआ है। हम यहाँ पे एक नहीं माचिस का किल्ली मार रहे हैं। आप लोग भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ ये सारा सामग्री होगा तो। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने हम सारा काम किए हैं और अभी भी जल रहा है, पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। अभी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे आके दिखाओ कि कैसा अभी जल रहा है। और माचिस का जो किल्ली है, माचिस का डब्बा है, वो पूरा जल के राख हो चुका है। अभी हम आपको सामने यहाँ पे गिरा के दिखाने वाले हैं कि पूरा यहाँ पे जल के कैसे राख हुआ है। नीचे से गैस हम दे रहे हैं और ऊपर हम यहाँ पे रख दिए हैं माचिस का किल्ली, और देख सकते हैं आपके सामने पूरा जल के हो चुका है राख। तो यहाँ पे अभी हम नीचे इसको डालते हैं और दिखाते हैं कि आखिर ये राख कैसे हुआ है। इसको बंद कर देते हैं गैस को पूरी तरह से, और यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से जल के हो चुका है राख। आप लोग के आँख के सामने है कि कैसे हम माचिस का तिल्ली बिना जलाए हुए गैस के माध्यम से माचिस का तिल्ली से आग कैसे लग जाता है। तो हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट आप लोग को पूरा समझ में आ गया हो कि कैसे कैसे हम किए हैं काम। तो आशा करते हैं ये एक्सपेरिमेंट आप लोग को काफ़ी मज़ेदार लगा होगा देखने में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा ही किसी नए कमाल का नए एक्सपेरिमेंट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।